दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर के प्रमुख नालों की सफाई के साथ ही शंकर नाला कार्य के शेष बचे छोटे पुलिया कार्य को जल्द बनाया जाएगा, जिससे शहर में इस बार कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी। बरसात के पूर्व दुर्ग नगर निगम के द्वारा शहर के सभी प्रमुख बड़े नालों की सफाई विशेष गैंग लगाकर की जा रही है। साथ ही दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहर का सबसे बड़ा नाला जो कि उत्कल कॉलोनी वार्ड से शुरू होकर उरला के अंतिम छोर तक होते हुए शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है, ऐसे बड़े नाले का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इस पर आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि शंकर नगर नाला निर्माण कार्य की प्रगति पर है, बस एक छोटे से पुलिया का निर्माण बरसात के पूर्व जल्द करा लिया जाएगा, जिसके बाद शहर में किसी भी जगह जल भराव जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। शंकर नाला जो है प्रमुख नाला अपने शहर का है और जिसका लगातार जो है हम सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार हमने इसको जनवरी के महीने में हमने एक बार पूरा क्लीन कर दिया था, जिसके कारण से इस बार हमको काफ़ी कम मेहनत में सफाई हो पा रही है और इसमें ज़्यादा मलबा नहीं निकल रहा है, तो बहुत जल्दी भी हो पा रहा है। और कुछ जो काम शंकर नाला के जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम थे, खास करके जो उनका रिटर्निंग वाल बन रहा था, वो भी हमारा शहर एरिया लगभग कंप्लीट हो गया है। छोटा सा पुलिया बचा हुआ है, उसमें मैंने अभी नोटिस दिया है, उसको 20 तारीख तक उसको पूरा कर लेगा वो। और बाकी अपना टेल इंड है, टेल इंड तक पूरा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा शहर एरिया है, इस बार बिल्कुल शंकर नाला कारण से कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं आएगी, इतना हमको कॉन्फिडेंस है। बहरहाल नाला निर्माण के बाद शहर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।